एक तो लेडीज के लिए बोलता हूँ, शतावर। शतावर खाने से लेडीज का जो किसी किसी का ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं हो पाता है, तो ब्रेस्ट पूरी विकसित होगी, पूरा शरीर सुंदर दिखेगा, माने पूरी जो आकृति है नेचुरल जो शेप आनी चाहिए बॉडी की, शतावर लेडीज को लेना चाहिए। और डिलीवरी के बाद यदि स्तनों में दूध नहीं आता तो शतावर के साथ थोड़ा जीरा भी ले लें, तो यह 100% उसका सॉल्यूशन है। वैसे लेडीज को 10 मूल अरिष्ट है, 10 मूल क्वाथ है, स्त्री रसायन है, ये 7 चीजें बताते हैं हम। फिर ये देखो, तिल के तेल को अब ऐसे पूरा पका देते हैं। तिल का तेल ये बड़ा जबरदस्त हो, डायबिटीज वालों को तो तिल तेल खाना चाहिए, तिल तेल छोंक में भी लेना चाहिए डायबिटीज ओबिसिटी आर्थराइटिस के लिए, ये जबरदस्त है। और ये पकान ये, और इसमें अब देखो घर में वैसे तो हम महाभृंगराज तेल भी देते हैं, महाभृंगराज तेल भी उपलब्ध कराते हैं, दिव्य केश तेल और जो है केशकांति तेल ये सब भी देते हैं, केशकांति शैम्पू भी देते हैं, लेकिन घर में कैसे बनाए, तो इसके अंदर देखो ये कढ़ी पत्ता डाल दिया, ये कढ़ी पत्ता डाल दिया, और इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे, पानी भी डालेंगे, नहीं तो अकेला खाली तेल ही होगा तो फिर पक नहीं पाएगा। इसको कढ़ी पत्ते को ऐसे धीरे धीरे पका लेंगे, पकते पकते कढ़ी पत्ता जल जाएगा। फिर ये जो भृंगराज है इसको भृंगराज को भी कूट के भी डाल सकते हैं, और ये ताज़ा भृंगराज तो मिल जाए तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, तो ये भृंगराज भी इसको अमाम दस्ते में कूट करके भी डाल सकते हैं। हाँ स्वामी जी, भृंगराज क्या दिल्ली जैसे शहरों में मिल पाएगा? आओ डॉक्टर साहब थोड़ा सेवा करो। और इसके अंदर ये देखो खदका लगना शुरू हो गया अभी, और इसमें थोड़ा ये मैंने बोला था ये अलग अलग जड़ी बूटियां रीठा से लेकर के सीकाकाई से लेकर के, ये जो भी आपने डाला स्वामी जी ये शिकाकाई, और सबसे बड़ी चीज है ये पहले सीकाकाई थी, ये रीठा है, ये रीठा है, ये सीकाकाई है, ये आंवला है, आंवला गीला अब तो ताजा मिलता है ना, ऐसे ताजा आंवला इसको काट करके ये सूखा आंवला ये डाल देंगे, और इसके अंदर फिर ये जो अमरबेल है और ये जटामासी, थोड़ी ये जटामासी, जटामासी और अमरबेल ये तो जबरदस्त है, और अमरबेल इस अमरबेल को ऐसे इसको ये तो ऐसे ही हाथ से टूट जाती है, ऐसे देखो अब ये जो है क्योंकि औषधियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो तिल तेल अब इसको पका लेंगे, इसमें 1 लीटर पानी तेल डाला तो 1 लीटर पानी डाल दें, धीरे धीरे इसको पका लें, और पकाने के बाद में जब पूरा पानी जल जाए इसमें तेल भी और पानी भी दोनों चीज डाल दें, तो फिर इसको धीरे धीरे दो करीब 4-5 घंटा लगेगा, 4-5 घंटे में इसको पका लें, और फिर ये तेल लगाएंगे ना और ऐसा जबरदस्त इसका लाभ होता है, तो इससे तो जिनके खोपड़ी जो है ना हथेली की तरह किसी की तो गंजी हो जाती है, इतने बाल झड़ जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। ये भृंगराज जो था वो भी हमारे डॉक्टर साहब ने कूट पीट करके तैयार कर दिया है तो वो भी डाल दिया है, तो ये धीरे धीरे जो है धीरे धीरे पकता रहेगा स्वामी जी। अब ये धीरे धीरे पक कर के ये पूरा तेल तैयार हो जाएगा, ये तेल जब तक तैयार होता है तब तक आप कल क्या प्रोग्राम होगा वो भी बता दीजिए, फिर आगे मैं लेकिन स्वामी जी जो कैसे धोने हैं। जी जी स्वामी जी, जो आप तेल बता रहे थे उसी से जुड़ी कुछ चीजें हैं और उसी से जुड़ा एक सवाल है स्वामी जी, एक सवाल अनुज अनुजा वांखेड़े जिनकी उम्र 23 साल है वो पूछ रहे हैं कि वो शिकाकाई रीठा आंवला भृंगराज को भिगोकर उसी से वो अपने बाल धोते हैं, उनके बाल गिरने तो रुक गए हैं लेकिन बाल उनके ऑयली बने रहते हैं, तो ऑयली बने रहते हैं तो देखो ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, ये जो मुल्तानी मिट्टी देखो उधर से, तो
तो ये मुल्तानी मिट्टी इसको पाउडर करके और फिर देखो ये पाउडर ऐसे तैयार हो जाता है इसका, ऐसे फिर ऐसे भिगो दिया इसको पानी में, एकदम पेस्ट तैयार हो जाता है। इधर आओ डॉक्टर हरप्रीत। अब ये पेस्ट जो है इसके अंदर थोड़ा दही या छाछ मिला देते हैं, है ना। तो ये दही ये मिला दिया, अब ये लगेगा सिर में। अब इससे बाल ऑयली भी नहीं रहेंगे और इसको लगा करके और फिर जो है बाल धो लें तो कोई शैम्पू की कोई कंडीशनर की जरूरत नहीं। ये मैंने सदियों पुराना जो नुस्खा था वो बता दिया। बीच में ताजमहल की चमक कम पड़ गई थी, उसको भी मुल्तानी मिट्टी लगा के चमकाया था। अरे वाह, ये जानकारी मुझे नहीं थी। मुल्तानी मिट्टी बहुत कमाल की चीज है, इसका मतलब सही है।